उत्तराखंड में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। ऐसे में पार्टियों के बीच बैठकों और चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के ऑब्जर्वर कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी राजधानी देहरादून पहुंचे और मतगणना को लेकर भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मतगणना से पहले ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि भाजपा 2/3 बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा है कि हमने 60 पार की बात कही थी, जिसके आसपास ही उनकी सीटें आएंगी। अभी भी उत्तराखंड के अंदर मतदान चल रहा है। वे सब सेना के सैनिक, हमारे फौज में काम करने वाले लोगों के वोट अभी भी आ रहे हैं और इसलिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। काउंटिंग चुनाव प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है, इस चुनाव को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं, तो हम काउंटिंग को भी उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं और आज इसीलिए जवाबदार कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे हैं। काउंटिंग की बारीकियां समझाइए उनको कि किस प्रकार काउंटिंग में रहना है। अगर 8 बजे काउंटिंग चालू हो रही है तो 7 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है, किस तैयारी के साथ जाना है। ये सब छोटी छोटी बातें काउंटिंग की वो हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाई है। अब ये लोग जाकर अपने विधानसभा के अंदर काउंटिंग एजेंट का वर्कशॉप करेंगे, क्योंकि मतगणना भी एक बहुत तकनीकी विषय होता है और इसलिए कार्यकर्ता वहाँ पर मुस्तैदी से डटे रहें और उन सब तकनीकी जानकारी उनको होना चाहिए। इसके लिए आज महत्वपूर्ण बैठक थी, मुझे नड्डा जी ने इसी काम के लिए यहाँ पर भेजा था, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। देखिए, जब 2/3 बहुमत आ रहा हो हमारा, तो फिर हमें इस प्रकार की कांग्रेस में क्यों हलचल है? भाई, कांग्रेस तो वैसे ही घुटने टेक चुकी है और हमारा स्पष्ट बहुमत आ रहा है, 2/3 बहुमत आ रहा है, हम लोग सरकार बनाएंगे और इसलिए उनको इस प्रकार की अनर्गल बात नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर वो कर रहे हैं तो वो उनके ना समझे, क्योंकि कांग्रेस अब इस प्रदेश से जाने वाली स्थिति में है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं इसका मतलब है उनका मनोबल टूट गया है, का नारा दिया है, इसके आसपास ही रहेंगे। सूत्रों के माने तो चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी के 3 प्लान तैयार कर दिए गए हैं। इनमें ए, बी और सी 3 फॉर्मूलों पर पार्टी काम करेगी। प्लान ए के मुताबिक बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने पर वो बिना किसी अन्य दल का समर्थन किए सरकार बनाएगी। प्लान बी में पूर्ण बहुमत से दूर रहने, अपने बड़े दल के रूप में उभरने पर पार्टी के बड़े नेताओं की भूमिका अहम होगी और निर्दलियों को साधने की जिम्मेदारी उनकी होगी। प्लान सी, मुकाबला बराबरी का रहा तो या 1-2 सीट का अंतर रहा तो बड़े नेता इस रणनीति पर काम करेंगे कि कैसे सत्ता में पार्टी की वापसी करवाई जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।